जिस समय रशिया यूक्रेन इजराइल हमास और हौतीज अमेरिकी शिपों पर हमले कर रहे हैं, ठीक उसी समय भारत ने भी अपने 150 फाइटर जेटों के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर पर अंधाधुंध मिसाइल और बम दागे हैं। और भारत की इस अंधाधुंध तबाही के बाद पाकिस्तान की धरती कांप उठी है और इतनी भारी मात्रा में लड़ाकू फाइटर जेटों को देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत की तरफ से 500 नहीं बल्कि पूरे 150 से भी ज्यादा फाइटर जेट पाक बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जिसमें भारत के Sukhoi-30 MKI और राफेल जैसे फ्रंट लाइनर फाइटर जेट भी शामिल है, जो कुछ ही घंटों में दुश्मन के खेमे को तबाह करने में सक्षम है। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर भारत सैकड़ों लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर लेकर क्यों पहुंचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी भारतीय वायुसेना अपने एक्स वायु शक्ति 2024 को अंजाम दे रही है। दरअसल ये भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज होने वाला सबसे बड़ा वायु शक्ति युद्ध अभ्यास है। अब आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का खुद ही आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ है यानी कि IAF डिस्प्लेस फायर पावर विद अपाचे राफेल LCH प्रचंड, यानी कि भारतीय वायुसेना ने पूरी दुनिया को अपनी फायर पावर दिखा दी है और राफेल और Sukhoi-30 MKI जैसे फाइटर जेटों के साथ साथ और अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और LCH प्रचंड का शक्ति प्रदर्शन किया है, जो भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली मेगा युद्ध अभ्यास है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने इस युद्ध अभ्यास को जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में आयोजित किया। आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास में भारत के लगभग सभी हथियारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और इस युद्ध अभ्यास के दौरान एक बड़ी युद्ध रणनीति पर काम किया गया है, ताकि भारत अपने दुश्मनों को कुछ ही घंटों में परास्त कर दे। और इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 3 चेतक हेलीकॉप्टरों द्वारा की गई और ये तीनों ही चेतक हेलीकॉप्टर तिरंगा और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ बैटल फील्ड में उतर गए। और इन्हीं फाइटर जेटों के उतरने के तुरंत बाद बैटल फील्ड में ऐसी तबाही देखने को मिली जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। और तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट ने बैटल फील्ड में मिसाइल और बम्बों की वो बारिश की जिनके धमाकों ने पाकिस्तान की धरती को ही हिला के रख दिया। और भारत के दुश्मन पाकिस्तान की वायुसेना के भारतीय वायुसेना की फायर पावर को देखकर तोते उड़ गए, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास को एक बड़ी रणनीति के साथ अंजाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहले भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइनर फाइटर जेटों ने दुश्मन के खेमे में मिसाइल और बम बरसाए। लेकिन इसके बाद जैसे ही दुश्मन के फाइटर जेटों ने भारतीय वायुसेना पर हमला करने की कोशिश की, अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को एक्टिवेट कर दिया और लो से हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मन के सभी एरियल टारगेटों की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास में भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ MRSAM जैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। और इन सब के बाद भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपनी फायर पावर को एक बार फिर पाकिस्तान को दिखा दिया और हवा से जमीन पर अपने लक्ष्य को भेद कर अपनी मार्ग क्षमता का प्रदर्शन किया, क्योंकि जहां पाकिस्तान के पास अपने फाइटर जेटों में फ्यूल डालने के लिए पैसा नहीं है, तो वहीं भारत अंधाधुंध तरीके से मिसाइल और बम दाग रहा है, जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चैन से सोने नहीं देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।